नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 29 मार्च 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आप सबको उपलब्ध कराने के लिए और अपनी बात आपके समक्ष रखने के लिए। तो न तुम्हारा भला होगा, न तुम्हारे परिवार का भला होगा, बल्कि तुम अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी नरक यातना भोगने के लिए विवश कर दोगे अपने इस पाप कर्म से, क्योंकि उदासीनता भी संसार का सबसे बुरा दुष्कर्म है, पाप है, अपराध है। यदि आप जानबूझकर उदासीनता बरतो, लापरवाही बरतो, अपने अधिकार के लिए लड़ो ही ना, घर बैठे रहो जो लोग लड़ रहे हैं उनके रास्ते में और रोड़ा बनो अपनी मूर्खता या धूर्तता के कारण, तो इससे बुरा कर्म कोई नहीं है दुनिया में, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। इसलिए इस पाप कर्म की सजा आपको भी निश्चित रूप से मिलेगी और आप अपने साथ साथ अपने आने वाली संतानों का भी भविष्य तबाह कर लेंगे, उनके लिए भी नर्क और दोजख में स्थान तय कर लेंगे। इसलिए अगर नरक के दंडों से बचना है, अपनी आने वाली संतानों को सुखद भविष्य देना है, तो अपना अपना प्रयास अवश्य करो, अपने अपने हिस्से का परिश्रम आप सबको स्वयं करना होगा। मैं कई बार सुप्रीम कोर्ट गया हूँ, हाई कोर्ट गया हूँ, आज भी जा सकता हूँ, क्या दिक्कत है। हमारे बहुत सारे एडवोकेट साथी हैं, बल्कि हमारी तो हर डिस्ट्रिक्ट यूनिट में एक एडवोकेट है, स्टेट में कई कई एडवोकेट हैं, सेंट्रल कमेटी में बाकायदा एक फर्म हायर कर रखी है जेएमआर के नाम से, जा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई धन का भी अभाव नहीं है, कोई सबूतों का अभाव नहीं है, लेकिन वो उस धन की बर्बादी होगी जो धन आपका ही है, हमारे परिश्रम की बर्बादी होगी जो परिश्रम हम सही दिशा में लगाएंगे, तो जल्दी आपका भुगतान हो जाएगा, सबका भुगतान हो जाएगा, उसका लाभ उन लोगों को भी मिल जाएगा जो हमारी खिलाफत करते हैं किसी न किसी कारण से। इसलिए हम न सुप्रीम कोर्ट अब जाना चाहते हैं, न किसी हाई कोर्ट जाना चाहते हैं। कई हमारे साथी भी मुझे पता चला है कॉल करते हैं लोगों को कि हाई कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट में रिट फाइल कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर देते हैं। तो ऐसे हमारे अगर कोई साथी आपको कॉल करते हैं तो उनके बहकावे में भी आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका कोई लाभ अभी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जिस कानून की, जिस एक्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस एक्ट में अभी वो स्टेज आई नहीं है जब हमें इसमें फर्स्ट अपील और सेकंड अपील फाइल करनी पड़े, क्योंकि इसमें फर्स्ट अपीलिएट अथॉरिटी प्रत्येक हाई कोर्ट को बनाया गया है और सेकेंड अपीलिएट अथॉरिटी इसमें सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है, और वो स्थिति तब आएगी जब आपका कहीं कोई दावा खारिज कर दिया जाए, लिखित में आपको ऑर्डर दे दिया जाए कि आपका दावा वर्ड्स एक्ट के अंतर्गत इन कारणों से खारिज कर दिया गया है, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो, और हाई कोर्ट ने आपका दावा खारिज हो जाए तो सेकंड अपील पे आप सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकते हो। लेकिन अभी तक हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है कि कहीं हमारा कोई दावा खारिज हुआ हो या हमारे क्लेम के विपरीत ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पक्ष में किसी सक्षम प्राधिकारी वर्ड्स एक्ट ने या किसी एओ ने या किसी स्पेशल कोर्ट बट्स एक्ट ने हमारे खिलाफ कोई फैसला दिया। इसलिए अभी हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर ना आपका पैसा बर्बाद करना चाहते हैं, ना आपका श्रम व्यर्थ जाने देना चाहते हैं, इसलिए हम नहीं जाना चाहते, नहीं तो हम तो जा सकते हैं, हमें क्या दिक्कत है। हमारे पास तो दुनिया भर की टीम है लीगल एक्सपर्ट्स की, हम खुद जो है नेशनल स्तर के जो है वो है कानून भी दुनिया से ज्यादा हम ही जानते हैं, दुनिया हमसे पढ़ती है कानून, तो हम खुद भी जा सकते हैं उसमें, हमें तो पैसा भी खर्च नहीं करना, लेकिन वहां जाने से कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, हमारा जो आंदोलन है मिशन भुगतान है वो कमजोर होगा, आपके भुगतान में बाधा आएगी, इसलिए हम नहीं जाना चाहते हैं, चूंकि पहले हम जा चुके हैं और हमने वो अनुभव प्राप्त कर लिया है, और अनुभव से बड़ा विश्वविद्यालय कोई नहीं है दुनिया में, इस बात को ध्यान रखना, कोई कुछ भी कह ले लेकिन यदि उसने अनुभव नहीं किया है तो उसे वस्तु स्थिति वास्तविकता का सच्चाई का ज्ञान नहीं हो सकता, और हमें सत्य का पता है, इसलिए हम सत्य और झूठ के
भेद को जान गए हैं और उस भेद को जानने के बाद अब केवल वही काम कर रहे हैं जिस काम के द्वारा आप सबका भुगतान होना है, सरलता पूर्वक होना है, निशुल्क होना है। हमने ये भी तो संकल्प लिया है, ये भी तो वचन दिया है कि हम निशुल्क आपका भुगतान कराएंगे, आपको दलालों के चंगुल से मुक्ति दिलाएंगे, ठगों के साथ साथ आपको कहीं कोई इतना धन खर्च नहीं करने देंगे कि आप तौबा कर जाएं। कारण यही तो है, आज तक देश में ठगी पीड़ितों का कल्याण नहीं हुआ, उनका भुगतान नहीं हुआ, इसलिए नहीं हो सका कि लड़ाई बहुत खर्चीली है, बहुत समय लेती थी। अब तो चूंकि कानून बन गया है तो टाइम बाउंड कर दिया है, 180 दिन में आपका भुगतान करना है, सरकार को करना है, आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना करना है, आपको किसी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से, उसके मैनेजमेंट से, संचालन से, प्रबंधन तंत्र से कोई लेना देना नहीं है। जब सरकार ने आपकी जिम्मेदारी ले ली, गारंटी ले ली, तो आप केवल सरकार तक अपनी बात पहुंचाइए, व्हाट्सएप के अंतर्गत पहुंचाइए, अपने अपने आवेदन कीजिए, आपका भुगतान भी हो जाएगा। बहुत लोगों का हो रहा है, खुलकर के इस लड़ाई में सम्मिलित नहीं हुए हैं, सब अपने स्वार्थ का परिचय देते हैं। जब हम भुगतान के आवेदन करा रहे थे, लंबी लंबी लाइनें लगती थी दिन और रात, लेकिन वो लोग जब कभी बात आती है लड़ाई की, शक्ति प्रदर्शन की, तो घरों में बैठ जाते हैं, भूल जाते हैं। ये जो हमारी स्वार्थी नीति है और नियति है, ये दोस्तों हमारा ही नुकसान करती है। तो लोगों को जगाओ, एकजुट करो, अपनी पीड़ा को तमाम साथी सामूहिक स्वर दें। पूरे देश के लोगों की बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल, सबकी, सब लोग अपने अपने भुगतान के दावे इस समय जरूर प्रस्तुत कर दें, डाक से करें या बाई हैंड करें। सब लोग अपने जिला कलेक्टर्स को अपने अपने आवेदन जरूर कर दें। जौनपुर के ईडीएम फाइनेंस ने आज बताया है कि वो 1 अप्रैल से एक बड़ी कार्रवाई ठगों के खिलाफ आरंभ करने जा रहे हैं, और उन्होंने हमारे तमाम साथियों को अपने कार्यालय में बुलाया हुआ है। कोई ऐसा आदेश वो दिखाने जा रहे हैं, ऐसा प्रपोजल वो देने जा रहे हैं जिससे तमाम विक्टिम्स का भुगतान बहुत जल्दी आरंभ हो जाएगा। आदर्श चुनावी आचार संहिता एक तरफ रह जाएगी धरी हुई, और आपका भुगतान जल्दी ही आरंभ हो जाएगा, बशर्ते आप लोग जागे। साथियों, सोते रहे तो फिर तो असंभव है, सोए हुए लोगों का कौन भुगतान करने आ रहा है? जो जाग गए वो तो आज भी भुगतान करवाए ले रहे हैं, अपना रोज कर रहे हैं, आप भी करवा सकते हो, जागरूक हो जाइए। तमाम साथी करिए, जो जो काम हम बताते हैं उन कामों को आप नहीं करेंगे तो कभी आपका भुगतान तो नहीं होगा। साथियों, मिलता हूं कल शाम को आप सबके साथ फेसबुक पर लाइव होकर। फेसबुक पर मदनलाल आजाद के नाम से मेरी आईडी है, उसको फॉलो कर लेना। कल 8 से 10 बजे तक रात को फेसबुक पर लाइव होकर आपके साथ लंबी चर्चा करूंगा, आप सबके सवालों का जवाब दूंगा, और वो सूत्र, वो मंत्र आपको बताऊंगा जिससे आपको दुखों से, कष्टों से, पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, आपका भुगतान होगा, और आप साहस के साथ हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।